हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है 12th क्लास के लिए। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन किए थे और आज 21 से लेकर के 38 तक क्वेश्चन करेंगे। ओके, एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किया हमने, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, इंटीग्रेट टेन स्क्वायर 2x प्लस 3, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए, टेन स्क्वायर की फॉर्म में, अब टेन स्क्वायर की फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला हमने कोई नहीं किया इंटीग्रेशन में, तो टेन स्क्वायर को कन्वर्ट करो उस फॉर्म में जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला आपको आता हो, तो होता है sec स्क्वायर की फॉर्म। हमने ये इंटीग्रेशन किया हुआ है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसके लिए को sec स्क्वायर 2x प्लस 3 माइनस 1, ऐसे लिख लेंगे इसको और इसको सेपरेट कर देंगे। sec स्क्वायर 2x प्लस 3 dx माइनस 1 into dx। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो sec स्क्वायर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन होगा 10 2x प्लस 3। अब चूंकि लीनियर टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 और वो डिवाइड की फॉर्म में आएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में इसका डिफरेंशिएशन अलग से आता था मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इसमें आता है डिवाइड की फॉर्म में, या एक स्टेप यहां एक्स्ट्रा कर सकते हो, इसको t सपोज करेंगे तो 2dx dt बनेगा, तो 2 बाहर आ जाएगा उसमें, तो सॉरी 2 बाहर आएगा। और माइनस 1 का होता है इंटीग्रेशन x, 1 को लिखेंगे आप x की पावर 0 है ना, x पावर 0 प्लस 1 1 होगा डिवाइड बाय 1 और प्लस c, इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होगा। और सेकंड है sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, तो डायरेक्ट हुआ 22 sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, डायरेक्ट है ये। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर का होता है 10 7 माइनस 4x, और इसको डिवाइड करोगे इसके डिफरेंशिएशन से, 7 का 0 माइनस 4x का माइनस 4 प्लस 3 हो गया। देखो कितना सिंपल है। और 23 पार्ट है साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये 23 साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। अब देखो यहां देखें, साइन इनवर्स x और रूट 1 माइनस x स्क्वायर में आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो इसमें आप क्या करोगे, लेट साइन इनवर्स x को आप p सपोज कर लें और उसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन, dt अपॉन dx या 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, तो ये वाला पार्ट ये बनेगा dx अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये dt बनेगा और ये t, अब देखो t इंटू dt डायरेक्ट इंटीग्रेशन स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दोगे तो साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है। 24th क्वेश्चन है, 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x, अब आप देखो, आप यहां से आप देखें कि ये टर्म किसका डिफरेंशिएशन होगी, ऐसा आप सपोज करें, वो टर्म तो यहां मिल जाएगी आपको,
अगर इसमें कॉमन लू में टू तो क्या मिलेगा, थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, अगर मैं टू कॉमन लू अंदर रहेगा थ्री कॉस प्लस टू साइन, और इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये होगा, देखो थ्री कॉस का माइनस थ्री साइन और टू साइन का टू कॉस एक्स, तो इस पार्ट को हम टी सपोज कर लें इसमें, ओके तो डिफ्रेंशिएट करो इसको, थ्री कॉस का माइनस थ्री साइन एक्स और टू साइन को लिखेंगे टू कॉस एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी, तो ये पार्ट क्या बनेगा, ये बन गया डी टी, और नीचे इसमें टू कॉमन लेने के बाद में ये टर्म आएगी टू टी, ओके नाउ वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी प्लस सी, ठीक है टी की वैल्यू पुट कर देंगे हाफ लॉग थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सी, ओके वन अपॉन टी में आप पावर फॉर्म कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है अगर इंटीग्रेशन इस तरह से एक्स की एन की फॉर्म में है तो इसमें जो एन की वैल्यू है नॉट इक्वल टू माइनस वन, इसका ध्यान रखेंगे, पर माइनस वन होती है वन अपॉन एक्स हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर, ओके वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और वन माइनस टेन एक्स कुछ नहीं करना आपको होल स्क्वायर। अब इसमें वन माइनस टेन एक्स को टी सपोज करो, लेट वन माइनस टेन एक्स इजिकल टू टी, ऐसा क्यों किया, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और डिफरेंशिएट करो इसको वन का जीरो होगा तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी, तो सॉल्व होने के बाद क्या मिलता है आपको जी डी टी या माइनस साइन लगा लो अपॉन टी स्क्वायर, अब डायरेक्ट इसमें लग जाएगा पावर फॉर्मूला माइनस ये पावर पड़ जाएगी तो माइनस टू प्लस वन और माइनस टू प्लस वन, इस माइनस से माइनस कैंसिल होगा एक माइनस वन ये कैंसिल और टी रेस्ट पावर माइनस वन यानी वन अपॉन टी प्लस सी, और टी का रिपोर्ट कर देंगे हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स प्लस सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, अब देखो रूट एक्स का डिफरेंस होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, तो रूट एक्स को आप टी सपोज करो और डिफरेंशिएट कर दो तो डी टी अपॉन डी एक्स और रूट एक्स होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, डी एक्स ऊपर ले आओ और रूट एक्स और टू को इधर ऊपर ले जाओ टू डी टी, तो ये पार्ट बन जाएगा अब कॉस टी इंटू डी टी, ओके और टू पार्ट यहां आएगा ये टू इंटीग्रेशन का टू कॉस टी का होगा साइन टी इंटीग्रेशन प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे टू साइन रूट एक्स प्लस सी, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, रूट में साइन टू एक्स है इंटू कॉस टू एक्स डी एक्स, देखो साफ नजर आ रहा है साइन टू एक्स को आप टी सपोज करोगे तो उसके डिफरेंशिएशन में ये पार्ट आएगा, ओके
तो क्या करेंगे आप, इसको आप टी सपोज कर लो, तो रूट टी बन जाएगा इंटू साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, चलो करके देख लेते हैं, टू कॉस टू एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, साइन टू एक्स को हमने टी सपोज किया तो बन गया टू कॉस टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, तो वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन टू आर आएगा, ओके इंटू डी टी, करेक्ट। अब रूट टी का इंटीग्रेशन, टी की पावर हाफ प्लस वन थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू प्लस सी, ओके इससे कैंसिल होगा, टू पर जाएगा यानी वन अपॉन थ्री, और टी टी का मतलब होगा साइन टू एक्स, साइन टू एक्स की होल पावर थ्री बाय टू प्लस सी, ओके 27। कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ये रूट की फॉर्म में है, यहां तक क्लियर है, इसको टी सपोज कर लें, लेट वन प्लस टी करो डिफरेंशिएट इसको, साइन का होता है कॉस एक्स, डी एक्स इजिकल टू डी टी, ये बनेगा पार्ट डी टी अपॉन रूट टी, इसको ऊपर ले आओ, पर जाकर टी पार माइनस हाफ होगा तो माइनस हाफ प्लस वन और माइनस हाफ प्लस वन, ये टू रूट टी प्लस सी, ओके टी के वाली ये पुट कर देंगे और आंसर 29। कॉट लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स log sin x into dx। अब आप सोचिए, देखो मैं cot को सपोज करूं कुछ, तो cot का डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में नहीं होता, ओके अगर log sin x को सपोज करें हम, log sin x को t सपोज करें, अब उसका डिफरेंशिएट कर दो dt upon dx, और log sin x का डिफरेंशिएशन होता है तो log का करेंगे वन अपॉन साइन एक्स, फिर साइन का करेंगे कॉस एक्स, ठीक है यानी कॉट एक्स मिल गया इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी, करेक्ट वैल्यू पुट कर दो हैं तो क्या बनेगा, ये इसको टी सपोज कर दिया हमने तो टी इंटू डी टी, पावर फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो यानी लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाय टू, ओके 30 और 31 आप खुद कर लेंगे, 30 और 31 में आप क्या करोगे, 1 प्लस कॉस एक्स को आप टी सपोज कर लेंगे इन दोनों क्वेश्चन के अंदर, ठीक है और इजीली हो जाएंगे, ठीक है आप स्वयं करोगे बहुत आसान है। 32 शुरू करने जा रहे हैं, dx upon 1 plus cot x, ये क्या बनेगा, आप cot को कन्वर्ट कर दो cos x upon sin x में, ये बनेगा ऊपर sin x dx डिवाइड बाय sin x plus cos x, इसमें आप ट्रिक अप्लाई करेंगे कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको डिवाइड, उसके बाद हाफ 2 साइन को लिखेंगे आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अगले डिवाइड कर देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से इसको और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके तो ये पार्ट बन जाएगा आपका हाफ डी एक्स प्लस हाफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई हो गया। अगर मैं इसको टी सपोज करूं, देखो इसको टी, इसका डिफरेंस क्या है, देखो साइन का होता है कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, और साइन डिफरेंट है इसके, तो ऊपर मिल जाएगा माइनस डी टी आपको, ये एक्स वाई टू माइनस हाफ वन अपॉन टी का लॉग टी, टी की वैल्यू ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके प्लस सी। और क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है सेम रिपीट ऐसे ही है ना, रिपीट ट्रिक एक जैसा है बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 मैं आपको करके दिखाता हूं, अच्छा प्रॉब्लम है, रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसमें ट्रिक है आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, यानी वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स रूट टेन एक्स, और यहां भी साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा रूट टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहां डिवाइड करो देखो यहां टेन एक्स मिल जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा ये सेक स्क्वायर अपॉन रूट टेन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, टेन एक्स को टी सपोज करेंगे और डी टी अपॉन डी एक्स मिलेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स, पार्ट मिलेगा डी टी अपॉन रूट टी। अब इसका इंटीग्रेशन उसको ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर माइनस हाफ होगा तो माइनस हाफ प्लस वन हाफ अपॉन हाफ यानी टू प्लस सी, तो टू रूट एन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आएगा, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 36 एक जैसे हैं, और उसमें से आपको 36 पार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। 36 क्या है, एक्स प्लस वन और x प्लस लॉग x होल स्क्वायर अपॉन x, इसमें क्या करेंगे, x प्लस लॉग x को आप टी सपोज करेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करो, वन प्लस वन अपॉन x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स प्लस वन अपॉन x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये टी स्क्वायर, ये वाला पार्ट बन गया डी टी में इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी इन पावर फॉर्मूला टी टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, टी की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स प्लस लॉग एक्स होल क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 37 क्या है, एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स इज पावर फोर अपॉन वन प्लस ये, ओके अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें आप टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर इसको आप पी सपोज कर दें और इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब, तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या मिलेगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स पावर फोर का स्क्वायर होगा एक्स पावर एट इंटू इस टर्म का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे फोर एक्स क्यूब, ठीक है। इस तरीके से ये टर्म देखो क्या बन जाएगी, इसके अंदर फोर डिवाइड में आ जाएगा साइन, इसको हमने टी सपोज कर लिया और डी टी ये वाट बन जाएगा, तो वन अपॉन फोर साइन टी कंटिन्यू होता है माइनस कॉस टी,
प्लस सी माइनस में होता है माइनस कॉस टी, टी की वैल्यू पुट कर दो कॉस टी होता है वन, तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स रेज टू पावर फोर प्लस सी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज लगभग फिनिश है। अब इसमें दो प्रॉब्लम इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप बची हैं, वो भी आपको बता देता हूं मैं। पहली प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव ये 38 टेन एक्स पावर 9 और लॉग 10 अपॉन एक्स रेज टू पावर 10 dx। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये रहा, और इसका डिफरेंशिएशन ये। अब पूरे पार्ट को मैं इसको t सपोज करूं, इसको t, तो ये पार्ट dt है, तो ये टाइप का बनेगा dt अपॉन log t, dt अपॉन t, और इंटीग्रेशन होगा इसका log t, तो इस वाले पार्ट का आप टिक मार देंगे, ओके। और दूसरा पार्ट है ये 39 dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें क्या करोगे, जो वन है यहां पर वन को लिख दो आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जब अलग अलग डिवाइड करेंगे हम साइन स्क्वायर अपॉन दिस, साइन स्क्वायर कैंसिल, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर जैसे सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर अपॉन दिस वन अपॉन साइन स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, और कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स। आप ये वाले पार्ट को टिक मार देंगे, ठीक है, 10x माइनस कॉट एक्स। इस तरीके से आज हमारी एक्सरसाइज 7.2 पूरी तरह फिनिश हो चुकी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन की नेक्स्ट ट्रिक नेक्स्ट मेथड, ठीक है, शुरू करेंगे। तो ये आप फिनिश कर लें, और जो प्रॉब्लम आपको आती है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजें। थैंक यू।